जी सर। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में एमआईएम के एक मजबूत वर्कर जो पहले वहां के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और सामाजिक कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या सामाजिक तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने डीएम सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह एमआईएम के वर्करों से मरहूम की मगफरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि एमआईएम के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मगफरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सजा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलिन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे, कत्ल के असबाब तलाश करे और एमआईएम के जहां वर्कर हैं उसको तहफुज देने का काम करे।